हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज सर आपको मैं मैजिक ऑफ फिजिक्स सिखाऊंगा, बिल्कुल मैजिक की तरीके से। तो अभी मैं आपको फोर्थ डेरिवेशन सिखा चुका हूं पिछले लास्ट वीडियो में। अब यहां देखेंगे यूनिट वन में स्थिर विद्युत में अपन पांचवा डेरिवेशन सीखने जा रहे हैं। सिद्ध करो डब्लू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा, पी ई वन माइनस कॉस थीटा। सिंपल सा डेरिवेशन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे, इसमें चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं होती, बस केवल इस डेरिवेशन में व्यंजक लिखना होता है। तो व्यंजक हम लिखेंगे फ्रेंड्स, देखेंगे कि हमारा कैपिटल ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, जो नेक्स्ट पिछला लास्ट डेरिवेशन अपन ने किया था उसी में से देख के अपन व्यंजक लिखते हैं, जो डेरिवेशन फोर्थ किया था उसी में से लिखते हैं कि कैपिटल ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इस द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है अपना पी ई साइन थीटा। फ्रेंड्स अपन ने देखा था कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, जो अपन ने पिछले डेरिवेशन में प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर फोर्थ में सिद्ध किया था टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इस द्विध्रुव पर जो कार्य आता है तो कार्य का फॉर्मूला होता हमारा W बराबर इंटीग्रल जीरो से थीटा टाउ डी थीटा। ये कार्य निकालने का फॉर्मूला है W बराबर इंटीग्रल जीरो से थीटा टाउ डी थीटा। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स W हमारा ये है, जीरो से थीटा हमारा ये है, टाउ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दी हुई है कितनी, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स इंटीग्रल करना है हमें, ये अपनी लोअर लिमिट है, ये अपनी अपर लिमिट है, थीटा के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो साइन थीटा वाला अंदर रहेगा और कांस्टेंट संख्या फ्रेंड जो पी ई कांस्टेंट संख्या वो बाहर चली जाएगी, तो डब्लू बराबर पी ई हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ इंटीग्रल जीरो से थीटा, यहाँ रह जाएगा फ्रेंड्स साइन थीटा और डी थीटा। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ इंटीग्रल का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है इंटीग्रल में साइन एक्स डी एक्स, फॉर्मूला होता है माइनस का कॉस एक्स। इसी हिसाब से हम देखेंगे फ्रेंड्स डब्लू हमारा ये है, पी ई हमारा ये है, यहाँ देखेंगे साइन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला माइनस का कॉस एक्स होता है, तो साइन थीटा डी थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। लिमिट क्या है, नीचे वाली लिमिट को नीचे लगा दो, ऊपर वाली लिमिट को ऊपर लगा दो। फ्रेंड जो फॉर्मूला होता है हमारा माइनस का कॉस एक्स वो बिना लिमिट के होता है, तो हमने नीचे वाली लिमिट को नीचे लगा दिया और ऊपर वाली लिमिट को फ्रेंड्स ऊपर लगा दिया। यहाँ हम देखेंगे डब्लू हमारा ये है, पी ई हमारा ये है, यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स लिमिट का काम क्या होता है, पहले थीटा की जगह हम ऊपर वाली लिमिट को रखते हैं, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं और फिर थीटा की जगह हम नीचे वाली वैल्यू को रखते हैं। तो रखेंगे फ्रेंड्स माइनस कॉस, थीटा की जगह रखेंगे हम थीटा, माइनस अपनी तरफ से। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स माइनस है तो ब्रैकेट लगा लीजिए माइनस कॉस, अब हम थीटा की जगह पर रखेंगे जीरो। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर डब्लू इक्वल पी ई माइनस का कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन। प्रूफ तो हो गया फ्रेंड्स, बस केवल हमें इसको सेट करके लिखना है। पी ई हमारा ये है, प्लस के वन को हमने पहले लिख दिया और माइनस के कॉस को हमने बाद में लिख दिया। ये देखो फ्रेंड्स हमारा डेरिवेशन बड़ी आसानी से बिल्कुल इजी तरीके से प्रूफ हो गया। यहाँ हम देखेंगे डब्लू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया डब्लू बराबर पी ई वन माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया। ओके थैंक्स।